गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। मैं आज आप लोगों के लिए यूनिट 6 स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें दिया है लाइंस एंड एंगल्स, मतलब इस यूनिट का नेम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। लाइंस और एंगल्स, तो आप लाइन के बारे में जानते ही होंगे। लाइन, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन, तो लाइन क्या कहलाती है, अगर दोनों साइड इस टाइप की एरो लगी रहती हैं तो वो क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। इसको अपन कितना भी दूर तक ले जा सकते हैं, ठीक है। और एंगल्स क्या कहलाती हैं, दो लाइन के बीच में जो गैप रहता है, देखें जैसे एक लाइन ये और एक लाइन मैंने ये बना दी, ठीक है, इनके बीच में जो ये गैप है दोनों लाइन के बीच में, ठीक है, इंटरसेक्शन के बाद जो गैप है वो क्या कहलाती है, एंगल। ये क्या कहलाएगा, एंगल। इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो गैप रहता है वो क्या कहलाता है, एंगल। और ये भी इस वाली और इस वाली लाइन के बीच में जो ये पार्ट है ये भी क्या कहलाता है, एंगल। तो ये क्या कहलाते हैं, अपने एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो लाइंस और एंगल्स जनरल सी चीजें ये मैंने आप लोगों के लिए बता दी है। आप ध्यान दें, सबसे पहले अपन करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी एंगल्स की मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज होंगी पहले मैं उसको बताना चाहूंगा। तो ध्यान दें, इसमें दिया है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ध्यान दें, अगर टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, और अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये कौन से एंगल कहलाती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ये ए बी लाइन हो गई और ये एक सी डी लाइन, ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो ये आमने सामने के जो एंगल होंगे ये आपस में इक्वल होंगे। जैसे मैंने यहाँ एंगल वन दे दिया एंगल टू, तो एंगल वन किसके इक्वल होगा, एंगल टू के। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली ये यहाँ पर एंगल थ्री, इसको नेम दे दिया एंगल फोर, तो एंगल थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल फोर के। ये भी कौन से एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ध्यान दें, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब होता है जहां पर ऐसा एक हाफ मून बने, हाफ मून मतलब आधा चंद्रमा, इस एंगल को मिला के और इस एंगल को मिला के अगर कहीं हाफ मून बनता है तो वो कौन सा, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। और इनका सम कितना होता है, 180 होता है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक एंगल 1 मेंशन करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक एंगल 2 मेंशन करता हूँ, तो इनका सम अगर मैं लिखूंगा तो इनका सम कितना आएगा, 180, ठीक है। जरूरी नहीं है इसके अंदर दो एंगल हों, तीन एंगल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, तो देखें जैसे मैंने ये लिखा ये इस टाइप से, तो देखो हाफ मून तीनों को मिला के बन रहा है, मतलब ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2, ये एंगल 3, मतलब तीनों का सम कितना होगा, 180। ऐसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, मतलब जहां भी हाफ मून बने एक लाइन स्ट्रेट लाइन ये ऐसी रहती है, इसमें अगर एक हाफ मून बने चाहे वो 2 एंगल्स हो, चाहे 3 एंगल हो, चाहे 4 एंगल्स हो, उन सभी का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, इफ लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ एंड एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, सो फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। मतलब ये दोनों अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैंने गिवन में क्वेश्चन ही में से लिख दिया, ये गिवन में दिया हुआ था, फाइंड करना भी क्वेश्चन में से मैंने राइट कर दिया है, और ये डायग्राम भी मैंने क्वेश्चन में से बना दिया है, ठीक है। अब अपन यहाँ स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमेशा गिवन से स्टार्ट होता है, जो गिवन में दिया रहता है उसी से अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में अपन को ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे बी ओ डी कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, तो यहाँ अपन मेंशन करेंगे 40 डिग्री। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल। कौन से एंगल कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो मैं डायग्राम में ही शो करूंगा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री, ठीक है। तो इसका यूज अपन कर चुके हैं, बी ओ डी इज इक्वल टू 40 था, तो ए ओ सी भी कितना होगा, 40, क्योंकि ये कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अपन इसका यूज करेंगे, यहाँ पर क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो जो गिवन में दिया था उसका अपन ने यूज कर लिया है। अब ए ओ सी की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ, फिगर में ही आप लोगों को शो करना है, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो एंगल ए ओ सी कितना है, 40 डिग्री प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ए ओ सी की वैल्यू अपन ने पुट कर दी है, ये पॉजिटिव है तो वहां जाए कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे
तो बी ओ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, मतलब बी ओ ई की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास 30, इसको अपन फिगर में मेंशन कर देंगे तो ये कितना हो गया अपना 30 डिग्री। ठीक है, तो पहला आंसर अपना आ चुका है बी ओ ई। अब सेकंड क्या फाइंड करना है अपन को, रिफ्लेक्स सी ओ ई। अब रिफ्लेक्स क्या कहलाता है मैं आप लोग बताऊंगा, पहले मैं एंगल सी ओ ई फाइंड करता हूँ। तो ध्यान दें, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इस साइड सॉल्व करूंगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखें, सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे सी ओ ई, देन उसके बाद रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड करेंगे। तो सी ओ ई कैसे फाइंड होगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था जो लीनियर पेयर होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो देखें, ये 40 है और ये वाला जो अपन को अननोन है, मतलब जो फाइंड करना है, और ये भी नोन है। तो ये देखो पूरा हाफ मून बना रहे हैं, मतलब कौन सा पेयर है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, वो कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 40 प्लस दूसरा सी ओ ई प्लस तीसरा 30 इज इक्वल टू 180। ये कौन सा पेयर हो गया, यहाँ पर अपन नीचे लिख देंगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, अपन ने कौन सा पेयर बना दिया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब जो एंगल्स का जो पेयर था वो लीनियर फॉर्म में था, तो 180 डिग्री का होता, तो वो मैंने लिख दिया है। अब 40 और 30 को क्या कर देंगे ऐड, तो कितना आ जाएगा 70 प्लस सी ओ इज इक्वल टू 180। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे -70, तो सी ओ इज इक्वल टू 110। तो सी ओ ई की वैल्यू कितनी आई, 110। लेकिन अपन को क्या फाइंड करना था, रिफ्लेक्स। तो कभी भी आप लोगों को किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना पड़े तो इस एंगल को 360 में से क्या कर देते हैं, माइनस। तो यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 110। सो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ इज इक्वल टू 250। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई कितना आ गया 250 और बी ओ ई कितना आ गया 30। यही अपन को क्या करना था फाइंड, तो यही अपने क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें अपन लोगों ने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का यूज किया है, और अपन लोगों ने एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई की वैल्यू फाइंड की है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।